हेलो बच्चों, वेलकम टू दी स्पीटी ब्रेन्स। यहाँ हम आपको देते हैं 100% गारंटी सिलेक्शन, क्योंकि हमारे इंस्टीट्यूट के पास है पास 21 इयर्स का ऑफलाइन एक्सपीरियंस और हजारों सिलेक्शन का सक्सेस रेट। आइए डिस्कस करते हैं हम और मैथमेटिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक नंबर सिस्टम। जहाँ हमने अभी तक पढ़ा था नंबर सिस्टम के बारे में कि नंबर्स होते क्या है, डिजिट्स क्या होती हैं, और जाना था हमने न्यूमरेशंस क्या होते हैं, नोटेशंस क्या होते हैं, और इसके बाद में हमने दो ब्यूटीफुल क्वेश्चंस देखे थे जो आपके जवाहर नवोदय विद्यालय में आए हुए थे। अब डिस्कस करते हैं हम नंबर सिस्टम से आगे कहानी और जानेंगे काइंड्स ऑफ नंबर्स के बारे में, कितने तरह के नंबर्स आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, काइंड्स ऑफ नंबर, कुछ बच्चों को डाउट होगा सर टाइप्स ऑफ नंबर होते हैं। हाँ माय डियर, काइंड्स ऑफ नंबर या फिर टाइप्स ऑफ नंबर, दोनों ही सेम बात है। पहला नंबर डिस्कस करते हैं और देखें क्या कह रहा है ये नंबर सिस्टम। व्हाट आर द नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर होते क्या है एक्चुअली। नेचुरल का मतलब है क्या, आप सभी जानेंगे। देखिए मैं बताता हूं आपको नेचुरल का मतलब होता क्या है। सर पहले तो ये बताते हैं, नेचुरल का मतलब होता है कि प्राकृतिक होता है। क्या होता है? प्राकृतिक होता है। आप प्रकृति में जो हो रहा है, जो प्राकृतिक नेचुरल हो रहा है आपके साथ में, सपोज करिए आप गए और आपने देखा कि बाहर जा रहे हो और बिल्डिंग क्या देखा आपने, पहाड़ देखे, तो क्या पूछते हो सर ये क्या है, ये पूछते हो ये पहाड़। आपने छोटा एक गोला देखा जैसे कि सर रेज आ रही है बहुत सारी, क्या बोलते हो उसको, सर सूर्य, फटाक सीना निकलता है ना सूर्य। आप कभी किसी व्यक्ति के पास जाइए और व्यक्ति से बोलिए कि काउंटिंग करके दिखाइए, तो कैसे करता है वो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप छोटे बच्चों को बुलाइए, छोटे बच्चों को ऊपर बुलाया, आपने बोला बेटा इसकी काउंटिंग करके दिखाइए जरा, तो कैसे करता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कहां से स्टार्ट करता है वो, 1 से स्टार्ट करता है। कहां से करता है वो, 1 से स्टार्ट करता है। जैसे हमारे नेचर, हमने देखा नेचर को देखा, उसके अकॉर्डिंग हमारे निकला ये पहाड़ है, ये सूरज है, ये बादल है, ये बारिश है, ये पानी है, ऐसे निकलना। ऐसे अभी काउंटिंग कैसे होती है, काउंटिंग 1 से स्टार्ट होती है। कैसे होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमेशा वो 1 से स्टार्ट होती है। ऐसे नंबर्स जो हमें प्राकृतिक रूप से अपने आप ही स्वतः निकले उनको क्या बोलते हैं हम लोग, नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, नंबर्स व्हिच इज यूज्ड फॉर काउंटिंग द ऑब्जेक्ट आर नोन एज नेचुरल नंबर्स। किसी भी ऑब्जेक्ट की काउंटिंग करनी हो तो हमें क्या बोलेंगे, नेचुरल नंबर से स्टार्ट करें। दे आर डिनोटेड बाई एन, किससे करते हैं, कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, और नंबर्स क्या होता है, 1 2 3 4 5 6, दीज आर द नेचुरल नंबर्स। आइए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट, देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल नंबर के बारे में बात करेंगे कि नेचुरल नंबर की प्रॉपर्टीज क्या होती है। आइए देखते हैं वन बाय वन, पहली प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं। क्या कह रही है पहली प्रॉपर्टी, द सम ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 3। सर ये तो समझ में आ गया, सर ये क्या चीज है, सर ये तो बताइए। नेचुरल नंबर तो आपने सब बता दिया, पर कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर नहीं बताया सर आपने। तो देखिए माय डियर, मैं आपको बताने वाला हूं कि कॉन्सिक्यूटिव क्या होता है। ठीक है ना, देखिए कॉन्सिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, अगर सपोज करिए कि आपका 4 नंबर दे रखा है, 4 से स्टार्ट करते हैं, तो 4 के बाद क्या आएगा, 5 आएगा, 5 के बाद 6 आएगा, 7 आएगा, तो ये नंबर क्या है, कॉन्सिक्यूटिव नंबर है। सर 4 से क्यों लिया, 1 से क्यों नहीं लिया, 1 से ले लीजिए, 1 से लिया, 1 2 3 4, ये भी क्या है आपके, कॉन्सिक्यूटिव नंबर है। तो कैसे पहचाने ये कॉन्सिक्यूटिव नंबर है, तो सीधा इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस, इनके बीच में कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस, इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, ये क्या हो गए आपके, कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स हो गए। कौन से हो गए, कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स हो गए। इनके बीच में कितने का है, 1 का, इसके बीच में कितने का है, 1 का, इसके बीच में कितने का है, 1। These are the consecutive numbers. या मैं कहूँ सर पूरे के पूरे natural numbers अगर बिना कोई digits का gap किए हुए या फिर किसी को miss किए हुए अगर countings करते हैं, वो सारे कहते कैसे होते हैं, consecutive numbers ही होते हैं वो। कैसे होते हैं, consecutive natural numbers होते हैं, क्योंकि natural number बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, कोई भी number miss नहीं होना चाहिए। सर और भी कोई तरीका समझने का, हाँ माय डियर समझने का तरीका और देखिएगा, जैसे सपोज करिए मैंने बोला 2 बोला, 4 बोला, 6 बोला, 8 बोला, सर क्या ये कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स है, हाँ माय डियर मैंने बताया कि 1 2 3 से लेकर के इनफिनिटी तक आप नंबर काउंटिंग करते सारे सारे कैसे होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। ये कॉन्सिक्यूटिव नंबर तब बन जाते हैं जब इन दोनों के बीच, दो नंबर्स के बीच में डिफरेंस कितना हो, सेम होना चाहिए। आगे तक
जैसे कि इसके बीच में कितना डिफरेंस है, टू का डिफरेंस, इसके बीच में टू का डिफरेंस, इसके बीच में टू का डिफरेंस, तो ये क्या हो जाएंगे आपके कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स हो जाएंगे। ये कैसे हो जाएंगे आपके कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स हो जाएंगे। और बात करें नेचुरल नंबर्स के बारे में तो कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर, इतनी बात समझ में आ गई। अब सर क्या बोला हुआ है, द सम ऑफ थ्री कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाई थ्री। क्या कह रहा है सर कि तीन कॉन्सिक्यूटिव नंबर दे रखे हैं उनका क्या करना है, डिविजिबल करना है, डिवाइड करना थ्री से, वो कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए। करके दिखाइए सर, तब मजा आएगा। चलिए करके दिखा देते हैं। यहां देखेंगे आप ध्यान से, देखिए यहां पे मैंने क्या बोला, फोर फाइव सिक्स, क्या लिया यहां पे, फोर प्लस फाइव प्लस सिक्स, किससे डिविजिबल होना चाहिए, कंप्लीटली थ्री से डिविजिबल होना चाहिए, थ्री से डिविजिबल होना। देखेंगे ध्यान से कितना हो जाएगा, फोर फाइव नाइन हो जाएगा, और नाइन और सिक्स कितना हो जाएगा, फिफ्टीन हो जाएगा, बाई थ्री हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, थ्री फाइव जा फिफ्टीन, कितना हो जाएगा, थ्री फाइव जा फिफ्टीन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां देखते हैं कॉन्सिक्यूटिव नंबर देखते हैं, यहाँ क्या देखा आपने, टू देखा या फोर देखा या सिक्स देखा, थ्री की बात करें ना तो करके देखिए ना सर, दिखाइए तभी तो मजा आएगा सर, इसको भी करके दिखाइए। तो देखिए कितना हो जाएगा, टू प्लस फोर प्लस सिक्स डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, टू और फोर कितना हो जाएगा, सिक्स और सिक्स कितना हो जाएगा, ट्वेल्व हो जाएगा, बाई टू थ्री कितना हो जाएगा, थ्री फोर जा कंप्लीटली डिविजिबल। ओहो सर मजा नहीं आ रहा है सर, कैसे मजा आएगा सर, और करके दिखाइए सर। सर टू का गैप क्या है, थ्री का गैप करिए सर, थ्री का गैप करिए सर, थ्री का गैप कर, देखिए कितना हो गया, थ्री हो गया आपका, सिक्स हो गया आपका, नाइन हो गया, कितने का डिफरेंस दे रखा है यहाँ पर, यहाँ डिफरेंस दे रखा है थ्री का नंबर, यहाँ भी थ्री नंबर का डिफरेंस है, यहाँ भी थ्री नंबर का डिफरेंस है, तीन नंबर लगे हुए हैं सर, नेचुरल नंबर है, और तीनों के बीच में गैप कितने का, तीन तीन का गैप दे रखा है, तो सर क्या ये कॉन्सिक्यूटिव नंबर है, हाँ माय डियर ये कॉन्सिक्यूटिव नंबर है। देखिए ध्यान से का कि दोनों के बीच में डिफरेंस बराबर होना चाहिए, ये कॉन्सिक्यूटिव नंबर है, इनका एडिशन करेंगे तो एडिशन किया तो कितना आ गया, थ्री प्लस सिक्स प्लस नाइन डिवाइडेड बाई थ्री, थ्री और सिक्स कितना होगा, नाइन, नाइन और नाइन कितना होगा, एटीन, एटीन बाई थ्री कंप्लीटली डिविजिबल, बाई थ्री कितना हो जाएगा, सिक्स टाइम चला जाएगा। सर आपने गैप करो थ्री का, सर ये थ्री का गैप किया मतलब ये कॉन्सिक्यूटिव है, अरे माय डियर गलती से भी गैप बढ़ा मत देना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में गैपिंग को मत कर देना, वो कॉन्सिक्यूटिव नहीं कहलाएगा, नेचुरल नंबर कहलाएगा लेकिन कॉन्सिक्यूटिव नंबर नहीं कहलाएगा, कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर नहीं कहलाएगा एक्जेक्टली। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा सर ये क्या कर रहे हैं, सर ये रफ कर रहा हूँ सर, देखिए ध्यान से यहाँ पे कितना रखा है, टू दे रखा है, यहाँ दे रखा है फोर दे रखा है सर, इसके बाद में यहाँ सेवन दे रखा है सर, यहाँ कितना दे रखा है, टेन दे रखा है सर, यहाँ पे कितना फिफ्टीन दे रखा है सर, क्या सर ये कॉन्सिक्यूटिव नंबर है, नहीं माय डियर कॉन्सिक्यूटिव नंबर नहीं है, यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, यहाँ पर टू का डिफरेंस दे रखा है, यहाँ कितना टू का डिफरेंस है, यहाँ पे कितने का है, थ्री का डिफरेंस है, यहाँ पे कितने का है, थ्री का डिफरेंस है, यहाँ कितने का है, फाइव का डिफरेंस है, दीज आर नॉट अ कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स। अगर सर मैं इसको एड करेंगे तो सर आंसर नहीं आएगा, क्या नहीं आएगा, आंसर नहीं आएगा, मतलब कंप्लीट डिविजिबल होगा, तो प्रॉपर्टीज कहती है वो नंबर नेचुरल नंबर होंगे जिनका क्या होगा, सम ऑफ थ्री कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय थ्री। सर इसके बाद में एक प्रॉपर्टीज और आती है, उस प्रॉपर्टीज का अर्थ क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ थ्री कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय सिक्स। क्या बोला इसने, इसने बोला कि द प्रोडक्ट ऑफ थ्री कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाय सिक्स। क्या सर ये पॉसिबल है ऐसा, हाँ माय डियर पॉसिबल है, मैं आपको दिखाता हूं, बस एक सेकंड दीजिएगा मुझे, इसको रफ कर देता हूं। अब देखेंगे ध्यान से सेकंड वाला स्टेप देखेंगे और जानेंगे क्या कह रहा है ये, ठीक है, क्या बोला इसने, इसने बोला द प्रोडक्ट ऑफ थ्री कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय सिक्स। अभी आपने देखा कॉन्सिक्यूटिव के बारे में, आप तो समझने की दिक्कत नहीं है, क्या बोला मैंने, टू बोला, फोर बोला, सिक्स बोला, थ्री कॉन्सिक्यूटिव नंबर मल्टीप्लाई किया इसके अंदर, और किससे डिविजिबल होना चाहिए, सिक्स से डिविजिबल होना चाहिए, क्या कर पाएंगे इसको, कर पाएंगे, सिक्स से सिक्स कैंसिल आउट, टू फोर जा एट, आंसर इज करेक्ट। और देख लेते हैं, वन टू थ्री और डिविजिबल बाई सिक्स, इनका क्या करना है, प्रोडक्ट करना है, क्या करना है इनका, वन टू थ्री का प्रोडक्ट करना है, देखेंगे ध्यान से,
ये देखिएगा, मैंने दिखाया आपको 1 × 2 × 3 × 6, 2 × 3 = 6, y6 कैंसिल आउट, कंप्लीट डिविजिबल कितनी बार गया, 1 बार। तो मतलब हमने दोनों प्रॉपर्टीज बता दी आपको, दोनों प्रॉपर्टीज क्या कह रही हैं, दोनों प्रॉपर्टीज कह रही हैं द सम ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इज ऑलवेज डिविजिबल 3, हमने चेक कर लिया, द प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 6, दोनों ही हमने देख लिए। जब सम की बात करेंगे 3 से होना चाहिए, और प्रोडक्ट की बात करेंगे तो 6 से डिविजिबल। व्हाट आर द होल नंबर्स के बारे में बात कर रहे हैं। अब देखिए, अभी तक हमने क्या देखा, नेचुरल नंबर देखा, जो हमें प्राकृतिक स्वतः ही हमें अपने दिमाग में आ जाते रहती, किसी का काउंटिंग करने के लिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 से स्टार्ट जो हम करते हैं वो कौन से होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं। अगर नेचुरल नंबर साथ में एक नंबर और आ जाए, कौन सा, 0, तो उसको बोला जाता है कंप्लीटली होल नंबर। कैसे बोले, वेन वी इंक्लूड 0 इन द नेचुरल नंबर, वेन वी 0 इंक्लूड इन द नेचुरल नंबर्स इट इज कॉल्ड द होल नंबर। कैसे, ध्यान से देखिएगा, यहां देखिए, ध्यान से देखिएगा, होल नंबर की बात करें, यहां पे हमने 0 लिया और ये पूरा क्या हमारा नेचुरल नंबर है। अगर पूरे नेचुरल नंबर में 0 को ऐड कर दिया, ये 0 को इंक्लूड करवा दिया, 0 को इंक्लूड कराया, तो मेरा क्या हो गया, वाला होल नंबर बन गया। अरे बाबा, मैं किसकी बात करूं, होल नंबर की बात करूं, तो होल नंबर कंप्लीटली क्या हो रहा है कि 0 इंक्लूड कर रहे हैं और प्लस में पूरा क्या कर रहे हैं, नेचुरल नंबर 0 को क्या किया मैंने, खाली बस इंक्लूड कर दिया है। सर क्या मालूम पड़ा है इससे, इससे एक बात मालूम पड़ी माय डियर, कि ये पूरा नंबर होल नंबर ही तो है, वो पूरे नंबर यहां तक नेचुरल नंबर है। अगर मैं 0 लगा दूं तो मुझे कोई जरूरत नहीं नेचुरल नंबर कहने की, मैं क्या कहूंगा उसको, ये क्या है, होल नंबर से। कैसे होल नंबर से, कैसे, देखो माय डियर, कैसे, एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहां पर देखते हैं, मैंने क्या बोला आपको, ध्यान दीजिएगा यहां पे, देखिए मैंने क्या बोला, सपोज करिए आपसे कोई बोले कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, इसको बोल रहे हैं नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। लेकिन इसके अंदर जैसे ही 0 इंक्लूड हुआ, अब इनको क्या बोलेंगे हम लोग, होल नंबर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे इनको, होल नंबर्स बोलेंगे। तो एक बात याद रखना, अगर 0 से स्टार्ट हो रहा है तो उसका क्या बोलेंगे, होल नंबर्स बोलेंगे। अगर नेचुरल नंबर भूल भी जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ, 0 इंक्लूड होना चाहिए। ठीक है, चलिए चलते नेक्स्ट स्लाइड पे बात करेंगे। और जैसे कि डिफरेंस बिटवीन नेचुरल नंबर, देखिए माय डियर, अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया था कि यहां से हम स्टार्ट करेंगे, 1 से लेकर स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा, और 0 से स्टार्ट करेंगे तो कौन सा होगा, होल नंबर होगा। इस वाले पूरे में आप देखेंगे तो नेचुरल नंबर क्या है, 1 2 3 4 5, लेकिन सारे के सारे नेचुरल नंबर को क्या बोलते हैं हम लोग, होल नंबर्स बोलते हैं। सारे सारे नेचुरल नंबर क्या बोलते हैं हम लोग, होल नंबर्स बोलते हैं। लेकिन सारे होल नंबर्स को हम नेचुरल नंबर नहीं बोलेंगे, क्योंकि होल नंबर क्या होता है, जिसमें कि 0 इंक्लूड होता है, किसके साथ में, नेचुरल नंबर के साथ। ठीक है माय डियर, क्या होता है, नेचुरल नंबर के साथ में अगर मैं 0 इनपुट कर दूं तो क्या बन जाता है, होल नंबर्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। चलिए नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं। क्वेश्चन, नंबर ऑफ होल नंबर्स बिटवीन 38 एंड 68, क्या पूछ रहा है, ये वाला क्वेश्चन पूछ रहा है, नंबर ऑफ होल नंबर्स के बारे में बात कर रहा है, बिटवीन 38 से लेकर 68 के बीच में। तो इसका ध्यान रखेंगे कि नंबर कैसा होगा, 38 कंसिडर नहीं करेंगे और 68 नंबर कंसिडर नहीं करेंगे, इन दोनों के बीच में नंबर को हम लेकर चलेंगे। तो कहां से स्टार्ट करेंगे नंबर, पहले देखते हैं कन्वेंशनल मेथड से करते हैं, उसके बाद में आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, तो चेक करेंगे कैसे जल्दी हम इसका आंसर गेट कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसके अंदर कन्वेंशनल मेथड से देखते हैं, जो अमूमन सभी लोग यूज करते हैं। जैसे देखेंगे 38 का तो कितना नंबर आता है आपका, 39 आता है, फिर कितना आएगा, 40 आएगा, 41 आएगा, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 और 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61,
62, 63, 64, 65, 66 और 67। देखा हमने, इन दोनों के बीच में क्या निकालना है, होल नंबर निकालना है, मतलब 38 के बाद और 68 से पहले। मैंने क्या देखा, 68 से पहले और 38 के बाद। अब इनको काउंट करोगे तो देखोगे नंबर कैसे काउंट करेंगे, ध्यान से देखिएगा। 39, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर देखेंगे 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। फिर देखेंगे 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 और 29। कितना आंसर आया है, 29 आंसर आ गया। 29 नंबर क्या होंगे, होल नंबर्स होंगे, किसके बीच में, 38 से लेकर 68 के बीच में कितने होंगे, 29 नंबर होंगे। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर क्या एग्जाम में आएगा तो ऐसे ही करेंगे, इसमें तो बहुत टाइम लगेगा सर, इससे अच्छा कुछ ऐसा बताइए कि जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। कैसे करेंगे इसको सॉल्व, चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। क्या देखा लास्ट में, 68 देखा और 38 देखा, ध्यान देंगे यहां पे, ये एक बड़ी लाइन गई। मैंने क्या देखा, यहां से जीरो से क्या नंबर दे रखा है, 68 तक नंबर दे रखा है। जीरो से क्या दे रखा है, 68 नंबर तक एक लाइन दे रखी है। अब दूसरी लाइन चेक करते हैं हम लोग। देखा हमने यहां से, ये क्या गया मेरा, जीरो से 38 की लाइन मेरी ये गई। मुझे निकालना क्या है, मुझे ये नंबर चाहिए, ये वाला नंबर, ये कैसे फाइंड होगा, तो कुछ नहीं करना माय डियर, 68 में से 38 को माइनस कर दो, 68 में से माइनस 38 कर दीजिए आप। अब क्या करना है आपको, इस नंबर को भी उठाना पड़ेगा 68 को, क्योंकि 68 38 तो मैंने खत्म ही कर दिया, 68 नंबर को उठाने के लिए करना पड़ेगा आपको माइनस 1 करना पड़ेगा। अब क्या करना है आपको, 68 और 38 का तो कितना बचा 30, और माइनस 1 किया तो कितना आ गया 29 आंसर आ गया। देखा हमने कितनी जल्दी सॉल्व कर लिया, देखा आपने हमने कितनी सॉल्व कर दिया, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। या तो वैसे कर लीजिए या फिर इस वाले मेथड से कर लीजिए, जो आपको आसान लगे उससे कर लीजिए। आंसर कितना आएगा, 21 आएगा, और आप बहुत जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है माय डियर। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ में, देखते हैं। अ होल नंबर इज ऐड टू 25 एंड द सेम नंबर इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम 25, द सम ऑफ द रिजल्टिंग नंबर्स पूछा हुआ है। क्या बोला हुआ है, रिजल्टिंग नंबर। देखिए, अ होल नंबर इज ऐड टू 25, सपोज करिए आपने क्या बोला, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई होल नंबर मान लीजिए, कोई भी होल नंबर, सपोज करिए लेट्स होल नंबर क्या बोल रहे हैं हम लोग, होल नंबर इज एक्स मान लीजिए, क्या माना हमने, इसको एक्स मान लिया। अब एक्स में क्या ऐड कर रहे हैं, 25 को ऐड कर रहे हैं, एक्स प्लस 25। अब क्या कर रहे हैं इसमें, एंड द सेम नंबर इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम 25, तो मतलब क्या कर रहे हैं, अब 25 में से माइनस कर रहे हैं, 25 माइनस एक्स। अब दोनों का क्या बोला, सम बोला, क्या बोला, सम बोला, इन दोनों नंबर का क्या करना है आपको, सम करना, इसका भी सम करना। तो रिजल्टिंग नंबर कितना आएगा वो आपसे पूछा होगा, तो कैसे निकालेंगे देखिएगा। मैंने सॉल्व किया, x प्लस 25 प्लस 25 माइनस x, इस वाले नंबर से ये नंबर कैंसिल आउट हुआ, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, 25 25 कितना हो गया, 50 हो गया, ये मेरा क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। ये कैसा हो गया मेरा, 25 इज करेक्ट आंसर, ठीक है माय डियर। तो हम देख कितनी आसानी से निकाल लिया इसका आंसर, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। द स्मॉलेस्ट सिक्स डिजिट नेचुरल नंबर एंडिंग इन 5, क्या बोलना है कि सिक्स डिजिट का आपको नंबर बताना है, कौन सा बताना है, स्मॉलेस्ट बनाना है, स्मॉलेस्ट बताना है, और किस पे एंड हो रहा हो, 5 पे एंड हो रहा हो। तो देखिए एक चीज तो कंफर्म है माय डियर इस पूरे क्वेश्चन के अंदर, कि मुझे यह मालूम है कि 1 digit, 2 digit, 3 digit, 4 digit, 5 digit, 6 digit ये नंबर होने वाला है, जिसके अंदर मुझे एक चीज कंफर्म बोल रहा है, क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है 5। और डिजिट्स कितनी होती हैं, ये आपको मालूम है कितनी होती हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 डिजिट्स होती हैं। अब इन डिजिट से मिलकर मुझे क्या बनाना है, स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। तो एक बात याद रखिएगा
स्मॉलेस्ट बनाने के लिए दिमाग में एक बात आती है, सर कैसे भी करके छोटा छोटा नंबर लो तो वो ही हमारा क्या होगा, स्मॉल डिजिट बन जाएंगे। अब एक तो था मेरा टिंकू था, क्या था, एक मेरा टिंकू था और एक क्या था मेरा रिंकू। दो बड़े क्यूट से बच्चे थे और दोनों ही पढ़ने जाते थे मास्टर जी से। मास्टर जी ने इतनी सी बात पूछ ली कि मेरे रिंकू टिंकू ये बताओ कि स्मॉलेस्ट नंबर बताना है मुझे और लास्ट में क्या आना चाहिए, 5 ये तो फिक्स है, लेकिन इन 9 डिजिट्स में से कौन सी डिजिट ऐसी लूं जिसमें मेरा कैसा बन जाए स्मॉलेस्ट नंबर बन जाए। अब टिंकू जी स्पीडी ब्रेन में नहीं जाते थे, कहानी जाते थे स्पीडी ब्रेन की क्लास अटेंड ही नहीं करते थे, लेकिन रिंकू जी रोज डेली स्पीडी ब्रेन की क्लास अटेंड करते थे और मैथ्स को पढ़ते थे। तो टिंकू जी बोले कि चलो भैया 0 नंबर सबसे छोटा होता है, उन्होंने क्या किया 0 नंबर को यहाँ पे पुट कर दिया, 0 0 0 0 0, क्योंकि 0 क्या होता है, बहुत छोटा होता है, सबसे कम वही होता, और खुशी खुशी घर आ गए। लेकिन रिंकू जी होशियार थे, रिंकू जी ने क्या किया, स्पीडी ब्रेन की क्लास अटेंड की और दिमाग लगाया, उन्होंने बोला कि 0 कैसा होता है, कोई सिग्निफिकेंट नंबर नहीं होता, लेकिन उसके छोटा बड़ा कौन सा होता है, 1 होता है। तो माय डियर दिमाग तो लगाना ही था, तो उन्होंने क्या किया, इस 0 से पहले 1 लगा दिया, और 1 लगाने के बाद फिर 0 लगा दी उन्होंने, 1 2 3 4 और लास्ट में तो 5 ऑलरेडी है ये, और रिंकू जी क्वेश्चन को करके आ गए। मास्टर जी आए, मास्टर जी ने चेक किया और उन्हें मालूम है भाई, उन्होंने देखा कि ये पूरी वैल्यू उसको कोई मतलब नहीं है, इसका आंसर कितना है, 5 है, ये तो और छोटी हो गई, कैसी हो गई, 1 डिजिट की हो गई, लेकिन अगर ऐसा आंसर उन्होंने किया तो ये कितना है, 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है माय डियर, समझ में आया इतना, तो ध्यान रखिएगा 0 का नंबर से पहले कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है, बट हाँ कोई भी अगर हम नंबर लिख लेते हैं यहाँ पर उसके बाद में 0 लगाते हैं तो उनकी वैल्यू काउंट हो जाती है। अब सर दिमाग में आ रहा होगा यहाँ पर 2 क्यों नहीं लिया, क्योंकि 2 से पहले 1 ऑलरेडी, इसलिए मैंने यहाँ 1 ले लिया है। आप कोई भी नंबर चूज मत करिए, छोटा नंबर पहले लेना है आपको, उसके बाद में 0 लगा के आप आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने बता दिया कि आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, ये वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 0 0 0 0 5, 6 डिजिट का इसका आंसर कंप्लीट है। ठीक है, मैं देख देता हूं यहाँ पे 1 0 0 0 0 5 करेक्ट आंसर। ठीक है माय डियर, चलते नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, पढ़ते हैं देखते हैं क्या आंसर। व्हाट आर द इवन नंबर्स की बात कर रहे हैं, इवन नंबर कौन से होते हैं, इवन नंबर देखिए पेयर्स में होते हैं, किसमें होते हैं, पेयर्स में होते हैं। ठीक है ना, पेयर मतलब दो, कोई दो चीज होंगी वो हमारे इवन नंबर होंगे, जैसे कि दो हाथ दो पैर दो कान, पेयर में है ना, इवन नंबर है, पेयर में होगा वो चीज इवन नंबर होगा। और सर ऐसे मजा नहीं आ रहा, तो कैसे मजा आएगा माय डियर, कैसे मजा आएगा, ध्यान से देखेंगे। देखिए मैंने क्या बोला, जो चीज पेयर में होगी वो इवन नंबर होगा, कैसे पेयर में होगा देखिए ध्यान से। अगर मैंने बोला 2 नंबर बोला, तो 2 का कैसे किया उन्होंने, बराबर किया 1 और 1, पेयर में आ गया। मैंने बोला 4 नंबर लिया और मैंने बोला पेयर में आना चाहिए, तो कितना आ गया, 2 और 2, और 2 को फिर करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 और 1, पेयर में है ना सर, पेयर पन, जो पेयर में नंबर हो वो कैसा होगा आपका, इवन नंबर होगा। 8 की बात, 6 की बात करते हैं, क्या 6 सर है बिल्कुल है, कैसे होगा, 3 3 पेयर बना रहे हैं सर, बराबर बराबर जो पेयर बना दे उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इवन नंबर। जो पेयर ना बना पाए बराबर बराबर संख्या का, वो कौन सा होगा आपका, ऑड नंबर होगा। जैसे कि बात करते हैं 5 की बात करते हैं, 5 में क्या किया आपने, 3 लिया और पेयर नहीं बनना सर, पेयर नहीं बन रहा है, तो ये क्या हो जाएंगे हमारे, ऑड नंबर हो जाएगा। सर समझ में थोड़ा कम आ रहा है, और समझाइएगा, और समझाते हैं। अब एक बात याद रखिएगा कि वो नंबर इवन नंबर कहलाते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, वो नंबर इवन नंबर कहलाते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम लोग, इवन नंबर बोलते हैं। कैसे बोलते हैं ध्यान रखिएगा, क्या बोलते हैं, अ नेचुरल नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड एन इवन नंबर बोलते हैं। तो देखिए 2 से कौन डिवाइड करते हैं, कि 2 डिवाइड हो जाता है, 4 डिवाइड हो जाता है, 6 डिवाइड हो जाता है, 8 डिवाइड हो जाता है, 10 डिवाइड हो जाता है, और फिर बात करते हैं इसमें
12 डिवाइड होता है, 14 होता है, 16 होता है, 18 होता है और 20 होता है। 2 का टेबल ही पढ़ा है ना सर आपने, 2 2 जा 4 6 8 10 12 14 16 18 20। अब सर एक चीज बताइए, लास्ट में डिजिट क्या दिखाई दे रही है आपको, क्या दिखाई दे रही है, 2 दे रही है, 4 दे रही है, 6 दे रही है, 8 दे रही है, लास्ट में क्या है, 0। अब देखिए यहां से 2 दे रहा है, 4 दे रहा है, 6 दे रहा है, 8 दे रहा है और 0 दे रहा है। मतलब इसका साफ है माय डियर कि कोई भी नंबर हो उसकी लास्ट की डिजिट अगर 2 4 6 8 0 में से कोई भी हो, कितनी हो, 0 2 4 6 8 में से कोई भी दे रखी हो, वो सारे के सारे कैसे होंगे, इवन नंबर होंगे, क्योंकि वो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल होंगे। कैसे हो सर, बड़ा एग्जांपल दिया, ठीक है बड़ा एग्जांपल देखिए। एग्जांपल मैंने बोला जैसे कि 2, मैंने बोला क्या बोला, 2 9 8 6 4, ये इवन नंबर है या फिर ऑड नंबर है, तो एक कौन से थे हमारे, रिंकू भैया थे, वो स्पीडी क्लास ज्वाइन किए थे, तो स्पीडी क्लास ज्वाइन किए तो उन्होंने क्या देखा, उन्हें मालूम था कि इतनी डिजिट्स का मेरे पास कोई मतलब नहीं है, मुझे क्या देखना है, मुझे लास्ट की डिजिट्स चेक करनी है और लास्ट की डिजिट कितनी है, 4 दे रखी है, तो 4 क्या 2 से डिविजिबल है, हाँ माय डियर 4 मेरा 2 से डिविजिबल है, इसलिए ये कैसा नंबर हो जाएगा, मेरा इवन नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब मास्टर जी बोले बेटा तुम स्पीडी ब्रेन जाते हो, हाँ जाते हैं सर, तो स्पीडी ब्रेन जाते हो तो ये क्वेश्चन तो आपने कर दिया, एक क्वेश्चन और करके दिखाइएगा, कौन सा क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, एक क्वेश्चन और दिया मास्टर जी ने, उन्होंने बोला 9 3 6 3 4 3, ये बताइए ये इवन नंबर है या फिर ऑड नंबर है, ये कौन है हमारे, रिंकू जी है, रिंकू जी का दिमाग घूम गया, रिंकू जी बोले मास्टर जी ने तो ये बताया था क्लास के अंदर, किसी क्लास में, स्पीडी ब्रेन क्लास में ये बताया था कि लास्ट में अगर ये नंबर हो 0 2 4 6 8 जो हो तो वो इवन नंबर होता है। अब रिंकू जी बड़े कंफ्यूज, लेकिन उन्होंने क्या देखा था, उन्होंने स्पीडी ब्रेन देखा था, उन्हें मालूम है जो नंबर इवन नहीं है वो ऑड नंबर है। रिंकू जी ने क्या देखा, लास्ट में क्या है, 3 आ रहा है, और लास्ट में अगर 3 है तो ये इवन नंबर नहीं है, ये कैसा है, और मास्टर जी ने रिंकू को क्या दी, शाबाशी दी, बोले गुड माय डियर गुड। आइए और डिस्कस करते हैं इसके बारे में। अब देखिए यहां पर मैंने क्या बताया कि जो 2 का मल्टीपल्स होंगे वो सारे कैसे होंगे, आपके इवन नंबर होंगे, जैसे आपने देखा 2 देखा, 4 देखा, 6 8 10 12 14 16 18 20 20 22 26 28 30, सारे के सारे क्या 2 के मल्टीपल्स दे रखे हैं, और लास्ट में ध्यान देंगे तो क्या आ रहा है, लास्ट में ध्यान देंगे तो 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, 8 आ रहा है और 0 आ रहा है। यहां चेक करते हैं, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, 8 आ रहा है और 0 आ रहा है, मतलब कि लास्ट की डिजिट 2 0 2 4 6 8 में से आनी चाहिए, वो सारे से नंबर कौन से होंगे, इवन नंबर होंगे, और ये वही नंबर होंगे जो 2 से कंप्लीट डिविजिबल। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ इवन नंबर की बात करते हैं, क्या बोला प्रॉपर्टीज का, पहली प्रॉपर्टी देखते हैं, द सम ऑफ 2 और मोर इवन नंबर इज ऑलवेज इवन, बोल रहा है सम बोल रहा है इवन नंबर, देखिए ध्यान से क्या बोला हुआ, पहला क्वेश्चन देखो, 2 + 4 + 6 दो हो या फिर 2 से ज्यादा हो, इनको जोड़ोगे तो लास्ट में क्या आएगा, 2 और 4 कितना, 6 और 6 कितना होगा, 12, लास्ट में क्या आ गया, 2 आ गया, मतलब क्या होगा, इवन नंबर होगा। यह बात सच है, 2 या 2 से ज्यादा नंबर आप इवन नंबर को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, आपको ऑलवेज इवन नंबर मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, द प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर इवन नंबर इज ऑलवेज इवन नंबर, क्या सही बात है, हाँ सही बात है। देखिए 2 इवन नंबर कौन से होंगे आपके, 2 और 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो 2 4 जा 8, 3 का करोगे 2 4 × 6 करोगे तो कितना आएगा, 2 4 जा 8, 8 6 जा 48, लास्ट में क्या आया, 8 आया, मतलब कि कौन सा हो गया, ये इवन नंबर हो गया। सेकेंड प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी क्या करिए वो देखते हैं, सबट्रैक्टिंग इवन फ्रॉम इवन नंबर विल रिजल्ट इन एन इवन नंबर, क्या बोल रहा है भाई, क्या बोल रहा है, अगर किसी नंबर में से एक नंबर को घटा दो तो वो इवन होगा, चेक कर लेते हैं दोनों नंबर कैसे होने चाहिए, इवन होने चाहिए। ध्यान से देखिएगा, अगर मैंने बोला 48 इवन नंबर है, लास्ट में क्या 8 दे रखा, इवन नंबर है, अगर मैंने इसमें से 42 को माइनस कर दिया, ये क्या इवन नंबर है सर, क्यों है, लास्ट में 2 दे रखा है, और मुझे मालूम है सर इनमें से कोई भी नंबर होगा
जीरो टू फोर सिक्स एट, वो सारे कैसे होंगे, मेरे इवन नंबर होंगे, ये भी इवन है और ये भी इवन है, दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, सिक्स आएगा। सर ये भी इवन नंबर है, अगर मैं किसी इवन में से दूसरे इवनों को घटाता हूं तो मुझे क्या मिलता है, इवन नंबर मिलता है। ये तीनों प्रॉपर्टीज दे रखी है सर, तीनों प्रॉपर्टीज मैंने आपको बता दी, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ आपने देखा प्रॉपर्टीज के बारे में, इवन नंबर की प्रॉपर्टीज क्या होती है, आइए डिस्कस करते हैं। व्हाट आर द ऑड नंबर्स के बारे में, अभी क्या बताया मैंने, अभी बताया इवन नंबर के बारे में कि 0 2 4 6 8 नंबर होंगे वो सारे इवन नंबर होंगे। इसके अलावा जो नंबर बच्चे वो कौन से होंगे, ऑड नंबर होंगे, या फिर वो नंबर्स जो 2 से डिविजिबल नहीं होंगे वो कौन से होंगे, ऑड नंबर होंगे। तो ध्यान देंगे इसके अलावा कौन से बचे नंबर, वो चेक करते हैं। इसके अलावा जो नंबर बचे वो कौन से बचे, 1 3 5 7 और 9। अब लास्ट में अगर ये नंबर आएंगे तो कौन से होंगे, ये सारे के सारे ऑड नंबर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, सारे के सारे ऑड नंबर कहलाएंगे, ठीक है मैं, ठीक है। तो ये कहलाएंगे क्या, ऑड नंबर कहलाएंगे। जो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं हो, अ नेचुरल नंबर व्हिच इज नॉट डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड एन ऑड नंबर। अ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर मतलब 1 से स्टार्टिंग करेंगे क्या, 1 2 3 4 5 6 7, होल नंबर से नहीं करेंगे। होल नंबर बता दिया मैंने, अगर 0 इंक्लूड कर देते हैं नेचुरल नंबर में तो क्या बन जाएगा, होल नंबर बन जाएगा। यहां क्या लिखा हुआ, अ नेचुरल नंबर व्हिच इज नॉट डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड एन ऑड नंबर, ठीक है। तो मैंने बता दिया कौन से नंबर होंगे, जो 1 3 5 7 9 जिस पे लास्ट हो रहा होगा वही क्या कहलाएंगे, मेरे ऑड नंबर कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं, यहाँ पे क्या होगा, 1 3 5 7 9। सर ये तो छोटे छोटे नंबर, बड़ा बताइए, बड़ा बताते देख, 9 3 6 7 लास्ट में क्या है, 3 ऑड नंबर, 93 ऑड नंबर, 95 लास्ट में क्या है, 5, 97 लास्ट में क्या है, 7, सारे के सारे कैसे हैं आपकी ऑड नंबर से, 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9 सारे कैसे हो जाएंगे आपके ऑड नंबर। ये नंबर तो ऑड है ही है, अगर किसी नंबर के पीछे लास्ट में इनमें से कोई डिजिट आ जाती है, जैसे 9 आ गया, 43 आ गया, 41 आ गया, 45 आ गया आपका, 47 आ गया आपका, सारे सारे कैसे हो जाएंगे आपके, सारे कैसे हो जाएंगे आपके ऑड नंबर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इतना इंपॉर्टेंट है अगर आप जो करेंगे तो आपको अगला क्वेश्चन खुद बनाएंगे। कैसे, देखिए, विच नंबर इज एडेड टू एन ऑड नंबर टू गेट द नेक्स्ट ऑड नंबर। ध्यान देखेंगे, पहले फर्स्ट देखते हैं हम लोग, पहले देखा हमने 1 देखा, 1 के बाद दूसरा ऑड नंबर आया, 3 आया, इसके बाद 5 आया, इसके बाद 7 आया, इसके बाद में 9। एक चीज बताइए सर, क्या बताना है सर इसके बाद में, यहां से यहां तक मूव किए तो कितना जोड़ना पड़ा बन के अंदर, अगर मैं प्लस 2 कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, कितना जोड़ने पर, 2 जोड़ने पर। अरे सर एक और बताओ, मजा नहीं आ रहा, तो दूसरा देखिए, इस 5 में कितना जोड़ू कि मुझे कितना मिले, 7 मिले, कितना जोड़ने पर, 2 जोड़ने पर, क्या जोड़ने पर, 2 जोड़ने पर। तो कितना जोड़ा 5 में, 2 जोड़ा तो कितना मिला, 7 मिला। इसका मतलब यह है एक ऑड नंबर से दूसरे ऑड नंबर पर जाने पर हमें कितना ऐड करना पड़ेगा, 2 ऐड करना पड़ेगा। करेक्ट ऑप्शन इज बी, इज करेक्ट आंसर। विच ग्रुप हैज एन इवन नंबर एंड ऑड नंबर। अरे बाबा पढ़ पढ़ के आई हो, इवन नंबर कौन सा होता है हमारा, 2 4 6 8 0, ये कौन से होते हैं आपके इवन नंबर होते हैं। ऑड नंबर कौन से होते हैं सर, ये बता दो ना एक बार, ऑड नंबर कौन से होते हैं माय डियर, जो 1 3 5 7 9 पे खत्म होते हैं वो कौन से होते हैं, सारे सारे ऑड नंबर्स होते हैं। क्या पूछा इसने, ऐसा कौन सा ग्रुप है जिसमें इवन नंबर हो और ऑड नंबर हो। यहाँ देखेंगे ध्यान से, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 कैसा है मेरा, ऑड नंबर है, 6 क्या है मेरा, इवन नंबर है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस वाले में चेक करेंगे तो क्या होगा, 3 और 5 है दोनों कैसे है, ऑड नंबर दे रखे, ये ऑप्शन कैसा हो जाएगा मेरा, रॉन्ग हो जाएगा। Are you getting my point? देखा आपने कितनी अच्छी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर दिया हमने, जब हमने जान लिया कि इवन नंबर कौन से होते हैं और ऑड नंबर कौन से होते हैं, ठीक है। ये तो छोटा क्वेश्चन था, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि बड़ा क्वेश्चन बताइएगा, जैसे कि
3237 और मैंने बोलता 298, इसमें से कौन सा इवन है कौन सा ऑड है, तो आपने क्या देखा, आपने लास्ट की डिजिट देखी और लास्ट देखा तो ये मेरा जो 2 से डिविजिबल हो रहा है, तो मतलब ये मेरा इवन नंबर है और ये मेरा क्या हो रहा है, 2 से डिविजिबल नहीं हो रहा कंप्लीटली, तो मेरा ये कौन सा नंबर है, मेरा ये ऑड नंबर। ठीक है मैं डियर, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। द स्मॉलेस्ट ऑड नंबर फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट, कौन सी डिजिट बोला हुआ है इसने, 1 2 3 4 5। सैनिक स्कूल में एक क्वेश्चन पूछा गया 2018 के अंदर, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगर आप तैयारी कर रहे हैं सैनिक स्कूल की और नवोदय विद्यालय की। तो देखा आपने क्या था, स्मॉलेस्ट ऑड नंबर फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 एंड 5। आपको क्या बनाना है, स्मॉलेस्ट बनाना है। सबसे पहले क्या बोला हुआ है, ऑड बोला हुआ है, क्या बोला हुआ है इसने, ऑड बोला हुआ है। क्वेश्चन डिफ्लेक्ट नहीं करेंगे, स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, समझते हुए चलेंगे। क्या बोला है इसने, ऑड नंबर की बात कर रहा है, ऑड की बात कर, ध्यान रखना क्या होता है हमारा, 1 3 5 7 9, लास्ट की डिजिट यही होनी चाहिए। ऑप्शन चेक करिए, 5 आ रहा है 5 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, जहां 4 आ जाए वो ऑड नंबर नहीं है, वो कौन सा है, इवन नंबर है। एक ऑप्शन तो मैंने पता कर लिया। अब देखिए इनकी बात करते हैं, अब देखिए इसमें क्या बोला हुआ है, साथ में स्मॉलेस्ट बोला हुआ है। स्मॉलेस्ट का मतलब पता है क्या होता है, कि स्मॉल से चलिए कहां तक, बड़ी संख्या तक, स्मॉलेस्ट चलिए लार्जेस्ट तक, जो नंबर बनेगा वो स्मॉलेस्ट नंबर बनेगा। अब देखिए ध्यान से, 1 2 3 4 5, इसमें स्मॉलेस्ट कौन सा है, पहले 1 लिया आपने तो कितना हो जाएगा आपका 1, फिर स्मॉलेस्ट कौन सा है 2, फिर स्मॉलेस्ट कौन सा है 3, फिर कौन सा है 4, फिर कौन सा है 5। जो ये नंबर बनेगा वो कौन सा होगा बेटा, स्मॉलेस्ट नंबर होगा। कौन सा होगा वो, स्मॉलेस्ट नंबर होगा। कौन सा नंबर दे रखा है, 1 2 3 4 5 1 2 4 3 5 1 2 4 5 3, बी ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ठीक है मैडम, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। स्लाइड अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इवन, क्या बोला हुआ है इसने, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इवन नंबर की बात कर रहे हैं, इनमें से कौन सा इवन नंबर है, मल्टीप्लाई करना है सर। ये तो सर हम कर लेंगे मल्टीप्लाई, हाँ कर लीजिए सर मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 4 12 5 7 35 3 1 3 5 9 45। सर अभी आपने बताया था, क्या बताया था, कि लास्ट में क्या आना चाहिए, 0 2 4 6 8, वो कौन सा होगा मेरा, वो होगा मेरा इवन नंबर होगा। और लास्ट में कौन सा आएगा, 1 3 5 7 9, अगर लास्ट में आएगा तो वो मेरा कौन सा हो जाएगा, ऑड नंबर हो जाएगा। बेटा यहाँ चेक करेंगे क्या देखा, 2 देखा, 2 किसमें, इवन नंबर है, तो ये मेरा कौन सा होगा, इवन नंबर हो गया। ये मेरा ऑड नंबर हो गया, ये वाला मेरा, ये कौन सा होगा, ऑड नंबर होगा, ये मेरा ऑड नंबर होगा। कौन क्या पूछा है क्वेश्चन में, इवन नंबर कौन सा होगा, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है माइडिया, कितनी आसानी से कर ली, अगर हमने एक बार कंसेप्ट समझा तो आसानी से हम करते चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, सम कहां आया हुआ, सैनिक स्कूल के अंदर एक क्वेश्चन पूछा हुआ, 2007 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ, बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। ब्यूटी देखिए इस क्वेश्चन की, क्या ब्यूटी है, सम ऑफ ऑल ऑड नंबर लेस देन 10, क्या बोला हुआ है, सम बोला है, सम मतलब जोड़ना है आपको, किसको बोलना है, ऑड नंबर के बारे में बात कर रहा है, किससे कम होना चाहिए, 10 से कम होना चाहिए, 10 से कम, देखिए सर 0 1 2 3, कोई सर बोला नेचुरल नंबर के बारे में, होल नंबर के बारे में, तो कहां से लेंगे, 0 से ले लीजिए सर। अगर नेचुरल नंबर बोलता ना यहां पे सर, तो मैं 1 से काउंट करता, समझ रहे, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तो लेंगे नहीं सर, क्योंकि 10 से कम में लेना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए इसमें क्या बोला हुआ है, ऑड नंबर की बात कर रहा है, ऑड नंबर की, तो ऑड नंबर काउंट करेंगे कैसे करेंगे, 1 मेरा ऑड नंबर है, 3 मेरा ऑड नंबर है, 5 मेरा ऑड नंबर है, 7 मेरा ऑड नंबर है, 9 मेरा कैसा है, ऑड नंबर है। अब ये ऑड नंबर दे रखा, ध्यान देंगे यहां पे क्या हो जाएगा, 1 3 5 7 9, तो देखिए ध्यान से, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस कितना हो जाएगा, 4 9 हो जाएगा, 9 और 9 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 18 और 7 कितना हो जाएगा, 25 इज करेक्ट आंसर। जोड़ लेंगे ना इसको,
वन और थ्री फोर हो गया, फोर और फाइव कितना होगा नाइन हो गया, नाइन और नाइन एटीन हो गया, एटीन सेवन कितना होगा 25 आंसर हो जाएगा। ये आप देख लीजिएगा, सिंपली आपको क्या करना था, सम ऑफ ऑड नंबर बताने थे, मैंने ऑड नंबर बता दिया आपको, ये ऑड नंबर होते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन जो है वो बहुत ही खतरनाक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं उसके बारे में। ये क्वेश्चन सैनिक स्कूल के 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखते हैं, फाइंड द सम बोला हुआ है ऑफ ऑल ऑड प्राइम नंबर, क्या बोला हुआ है, ऑल ऑड प्राइम नंबर लेस देन 10। एक्चुअली हमने प्राइम नंबर डिस्कस नहीं किया हुआ है, अगर एक और डिस्कस कर लेंगे सर तो उसको भी धुआं उड़ा देंगे, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं आपको। ऑल ऑड प्राइम नंबर, प्राइम नंबर कौन से होता है, थोड़ा सा झलक दिखा देते हैं। प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो कि या तो एक से डिवाइड हो या अपने आप से डिवाइड हो, या तो एक से डिवाइड हो या अपने आप से नंबर डिवाइड हो। जैसे कि मैं बोलू 23 या तो एक से डिवाइड होगा आपका कंप्लीटली, या फिर 23 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा, ऐसे नंबर को बोलते हैं प्राइम नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो प्राइम नंबर कौन सा होता है जो कि कंप्लीट डिविजिबल हो अपने से या फिर अपने दूसरे नंबर से। अब इसमें बोला क्या, ऑड नंबर बोला हुआ है, तो ध्यान रखें ऑड नंबर कौन कौन से होते हैं, और किससे बोला हुआ है, 10 से कम बोला हुआ है। तो 10 से कम देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कंसिडर नहीं करेंगे इसके अंदर। अब देखते हैं क्या बोला, ऑड की बात करते हैं, 1 3 5 7 और 9, 9 की बात करें तो 9 देखिए 1 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है और 9 से भी डिविजिबल है, मतलब 1 से भी डिविजिबल है, ये वाला 1 से भी डिविजिबल है, 3 से भी है और 9 से भी है, मतलब। और मैंने क्या बताया था, प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो अपने आप से डिविजिबल हो और एक नंबर से डिविजिबल हो, तो ये 9 मेरा क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर नहीं, ऑड तो है लेकिन प्राइम नंबर नहीं। अब वन के बारे में बात कर लेते हैं, वन एक ऐसा नंबर है जिसको हम प्राइम नंबर नहीं कह सकते, क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि प्राइम नंबर की प्रॉपर्टीज ये कहती है कि कोई भी नंबर अपने आप से डिविजिबल होगा या फिर एक से डिविजिबल हो, क्या बोला मैंने, कोई भी नंबर अपने आप में या तो अपने डिविजिबल होगा या फिर किसी दूसरे नंबर डिविजिबल होगा। इस पर और चर्चा करेंगे प्राइम नंबर पर, अभी समझ लेते हैं इसको। तो एक नंबर क्या है, ये अपने डिविजिबल होगा लेकिन दूसरे नंबर कहां है, दो नंबर होने चाहिए, इसको इसलिए काउंट नहीं करते प्राइम नंबर्स। बचे कितने आपके प्राइम नंबर, 1 2 3, इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 प्लस 4 प्लस सॉरी कितना हो जाएगा ये वाला, 3 प्लस 5 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 3 5 7 क्या बोला, फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड प्राइम नंबर्स, तो कितना हो जाएगा, 3 12 और 3 कितना हो जाएगा, 15 इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। वन नंबर इसलिए ऑड नंबर तो है लेकिन वन नंबर प्राइम नंबर इसलिए नहीं है क्योंकि ये प्राइम नंबर की प्रॉपर्टीज को फॉलो नहीं करता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, वन नंबर को प्राइम नंबर नहीं कहते, ठीक है। तो प्राइम नंबर को क्या कहते हैं, वन नंबर को प्राइम नंबर नहीं कहते, इसलिए इसमें मैं काउंट नहीं किया हुआ है। हाँ, अगर ये बोलता कि ऑड नंबर बात करता तो हम इसको ऐड लेते, इससे पहले वाला क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, दोनों क्वेश्चंस देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके अंदर हमने वन कंसीडर किया हुआ है लेकिन उस वाले क्वेश्चन में उसमें 9 भी कंसीडर किया हुआ है। और जब दूसरा क्वेश्चन आया देखा हमने तो इसमें देखिए क्या बोला हुआ है, ऑल ऑड 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 प्राइम नंबर की बात कर रहा है, तो इसमें हम वन को नेगलेक्ट करेंगे और 9 को नेगलेक्ट करेंगे, उसके बाद हमने क्या लिया हुआ, इन तीनों का समेशन लिया हुआ, तो कहां से कितना आ गया, 15 आ गया। दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आपका सैनिक और स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से, और आप दोनों की घर पे आकर प्रैक्टिस करिएगा ताकि आप इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बना पाए, ठीक है। माय डियर, मैं से क्वेश्चन आपको लेके आता रहूंगा और यहीं हम क्लास को एंड करते हैं, और इसके बाद जो क्लास आगे आपको वीडियो नेक्स्ट में मिल जाएगी। तो बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं, और हमेशा की तरह हम आपको बताना चाहते हैं कि द स्पीडी वेज के साथ हम आपके लिए लाते हैं सिर्फ और सिर्फ बेस्ट वेल रिसर्च क्वालिटी कंटेंट फ्रॉम ऑल अक्रॉस इंडिया, ताकि बच्चों आपके ड्रीम की स्कूल की सीट हो सिर्फ और सिर्फ आपकी। तो मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं हम अगले लेक्चर में, जय हिंद।